Good morning everyone, welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the third part of our landform, major landforms, that was plain. हमने अब तक इसमें देखा कि हमने महत्वपूर्ण तरीके से हमारे लैंडफॉर्म्स को तीन भागों में डिवाइड किया था, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया प्लेन्स के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, कि जो हमारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, चाहे माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, हाउ द पीपल आर गोइंग टू यूज इट, किस प्रकार लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी किस प्रकार इस लैंडफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उसमें देखेंगे हम माउंटेन्स आर लेस पॉपुलेटेड एज कम्पेयर टू द अदर लैंडफॉर्म्स, अगर बाकी लैंडफॉर्म से कंपेयर करें तो माउंटेन्स के अंदर लोग कम रहते हैं, बिकॉज द लाइफ इज डिफिकल्ट देयर, क्योंकि जीवन मुश्किल है। फर्स्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, अगर हमें घर बनाना हो तो वो मुश्किल है, स्लोप्स आर देयर, स्लोप ज्यादा है। दूसरा, वी कांट डू मच एग्रीकल्चर, ज्यादा खेती नहीं की जा सकती उसके ऊपर, उसके साथ लैंडस्लाइड्स वगैरह आते रहते हैं, तो माउंटेन्स के अंदर लाइफ है मुश्किल है, इसलिए वहां पॉपुलेशन कम पाई जाती है। अब अगर हम बात करें पॉपुलेशन ज्यादातर कहां पाई जाती है, प्लेन्स है, उनमें ज्यादातर पॉपुलेशन पाई जाती है। उसका कारण क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय मेजर रिवर्स, ज्यादातर प्लेन्स है महत्वपूर्ण नदियों द्वारा बनाए गए, तो पानी की अवेलेबिलिटी है, फर्टाइल लैंड इज देयर, वी कैन डू द एग्रीकल्चर, फर्टाइल लैंड है, खेती की जा सकती है, वी कैन एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज, क्योंकि प्लेन एरिया आसानी से इंडस्ट्री डेवलप की जा सकती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कैन बी जनरेटेड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का डेवलपमेंट किया जा सकता है, तो इसलिए हमारे पास ज्यादातर पॉपुलेशन प्लेन्स में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि चलो हम डिफरेंट लैंडफॉर्म्स में रहते हैं, उसमें कुछ समस्याएं हमारे सामने क्या आती हैं, तो उसमें से कुछ है नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, फ्लड्स, ड्रोट, उसके साथ वोल्केनिक इरप्शन है, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड्स है, ये सारी क्या है हमारे सामने कुछ प्राकृतिक आपदाएं, विच डैमेज टू अवर लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी, ये कई बार हमारे जीवन को भी, बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं और उसके साथ साथ हमारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा अवेयरनेस रखें, यानी जो एरिया ज्यादा इनकी चपेट में आ सकते हैं, विच आर प्रोन टू दीज डिजास्टर्स, इन डिजास्टर के जो ज्यादातर फेस करते हैं, अगर अवेयरनेस हो वहां तो इन चीजों को, इस नुकसान को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। अब हमारे पास है कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज अवर लैंड, जो हमारे पास जमीन है उसको इस्तेमाल किस प्रकार कर रहे हैं, क्या हम प्रॉपर केयरफुल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, नहीं। वी आर गोइंग टू यूज इट, और वी आर यूजिंग इट, एक्चुअली वी आर यूजिंग इट इन ए वेस्टफुल मैनर, हम कहीं ना कहीं हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है लैंड, इसका ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसको वेस्ट कर रहे हैं। अब कैसे, अब देखेंगे कि हमारे पास वी आर गोइंग टू मेक ए लार्ज बिल्डिंग्स ऑन द लैंड विच इज फर्टाइल, हम देखते हैं नई नई कॉलोनीज काटी जाती हैं शहरों के अंदर, शहरों के साथ लगती जगह में, शहरों के अंदर नहीं, शहरों के साथ लगती जगह में, उसके साथ हम कंस्ट्रक्शन करते हैं हमारे मकान वगैरह खेतों के अंदर, तो जमीन किस काम आ सकती है, फर्टाइल लैंड है, खेती के काम आ सकती है, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन करके। उसके साथ साथ अगर हम दूसरा कारण देखें कि वी आर गोइंग टू थ्रो द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हम देखो प्लास्टिक वगैरह, ग्लास वगैरह, वो कचरा फेंकते रहते हैं, इसे क्या है, अवर सोयल डिग्रेड, हमारी जो मिट्टी है जिसके अंदर खेती की जा सकती है वो क्या है, खराब होती चली जाती है, हम खेती नहीं करते। उसके साथ माइनिंग की अगर बात करें, व्हेन वी आर गोइंग टू टेक आउट द मिनरल्स, जब हम खनिज पदार्थ निकालते हैं जमीन से, एट दैट टाइम वी लीव द लार्ज डिप्रेशंस, गहरे गड्ढे जिसकी छोड़ते हैं मिनरल्स निकालने के बाद, एंड द सोयल पार्टिकल्स आर पाइल्ड अराउंड दोस डिप्रेशंस, उनके आसपास जो मिट्टी निकली थी उसको हमने ढेर लगा के छोड़ दिया, दैट लैंड कैन नॉट बी यूज अगेन, उस जमीन को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो हम अपनी जमीन का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। We are supposed to use it carefully, लेकिन हमें इसका बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों, टू कीप इट फॉर आवर यूजेस, कि हम अच्छे से इसका इस्तेमाल करें, एंड एज वेल एज फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन, की हमारी आने वाली जो जनरेशन हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए, तो इसका इस्तेमाल हमें इस प्रकार करना चाहिए। ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस लेसन का, और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस विच इज deducted from your main syllabus, ये किसका हिस्सा है lesson, जो syllabus हमने थोड़ा कम किया है आपका इस साल के लिए, इस session के लिए, उसका हिस्सा ये केवल आपको इसलिए पढ़ाया गया, for your knowledge only, आप केवल इसमें कोई doubt है पूछ सकते हैं, कि आने वाले जो classes होंगे उसमें कुछ part है इसका, जैसे 9th class में पूरा एक lesson है physical features of India, उसमें इसका है हिस्सा, तो इसको केवल पढ़ें, उसके अनुसार अगर कोई डाउट हो पूछें, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में से कम कर दिया गया, नो असेसमेंट विल बी डन, इस लेसन में से आपसे कोई क्वेश्चन एग्जाम्स वगैरह में भी नहीं पूछा जाएगा, केवल आप इसको पढ़ें फॉर योर नॉलेज पर्पस ओनली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।